हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए एक और नई अपडेट लेके आया हूँ। जो सभी जाइंट कंपनीज है जैसे बजाज, चेतक, टीवीएस, इन्होंने जो है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनीज है जैसे यामाहा और KTM, इन्होंने अभी तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं की है। तो एक अब नया अपडेट आया है KTM की तरफ से। इन्होंने जो है अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है शोकेस किया है, और ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। काफ़ी बल्कि ये होने वाला है। इसके अंदर आपको फ्रंट की साइड में काफ़ी बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है, और जो फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं और ओवरऑल लुक है वो काफ़ी इसका जो स्पोर्टी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है मिड ड्राइव मोटर होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी पावरफुल होने वाली है, क्योंकि KTM अपनी पावर के लिए जाना जाता है, और एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर ये होने वाला है। टायर साइज़ की बात करें तो देखने में काफ़ी बड़े टायर लग रहे हैं। इसके अंदर अराउंड 14 इंचेस के जो है टायर होने वाले हैं, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पोर्टी लुक के अंदर आने वाला है, तो टायर साइज़ ऑब्वियसली बड़ी होने वाली है। बात करें अगर इसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस काफ़ी आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि KTM की अगर हम बाइक्स की बात करें तो वो काफ़ी एक प्रीमियम बाइक कैटेगरी में आती है। उनकी बाइक अगर आप 125 cc में भी लेंगे तो वो अराउंड 2 lakh के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो सेम ये भी मेरे ख्याल से 2 lakh से ऊपर का इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है, कंपेयर टू जो अभी फ़िलहाल मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनसे काफ़ी महंगा होने वाला है। क्योंकि और ये हमें एक फ़ायदा ये भी मिलने वाला है, क्योंकि KTM अपनी जो है बाइक मैन्युफैक्चर इंडिया में ही करता है, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत आपको जो है कॉस्ट कटिंग देखने को मिल सकती है, तो कस्टमर को ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अराउंड 2 lakh अबाव ये है इसकी प्राइस होने वाली है। और अगर हम लॉन्च की बात करें तो ये 2025 में जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।